हिजबुल मुजाहिदीन के 3 खुकार आतंकियों को अपने जान जोखिम में डालकर मार गिराया था, तो उस समय डर नहीं लगा? डर नाम का है ना कोई, सब मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं। साथ साथ कहते हैं ना कि डर भी है, हमारे पास आने से डरता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरे हस्बैंड हैं, बहुत डर लगता है, बट वो हम शो नहीं कर पाते हैं। मैम कैसे मैनेज कर पाती हैं, सबसे पहले तो यही सवाल। आई वॉज कमांडिंग अ मेल बटालियन, वहाँ पर सब लोग हेल्प करते थे, मेरी लड़के मेरे बच्चों के साथ मेरा हेल्प करते थे। इस बार आई विल बी कमांडिंग ए महिला बटालियन, तो आई विल बी हैविंग हेल्प फ्रॉम दैट। और अभी जेंट्स ने इतना, मेल्स ने इतना कॉपरेट किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम दैट। नक्सलवाद को आप कैसे देखते हैं? आपने बात की है, क्या ये देश की जड़ों को खोखला कर रही है? नक्सलिज्म के अंदर हमको ना केवल हथियार से, केवल नक्सली से लड़ना है, बल्कि एक विचारधारा से लड़ना है। नक्सलिज्म बेसिकली पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। दुश्मनों पर आप बम दागते हैं, गोलीबारी चलाते हैं, घर पर बमबारी किसकी ज़्यादा चलती है? मेरी वाइफ ही भारी होती है। अच्छा, वही मोटिवेशन मेरे को है ना, मोटिवेशन फैक्टर है हमारा। अच्छा, आप दोनों ही CRPF में हैं, तो माता पिता को कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी सेवा के लिए कोई नहीं है यहाँ? नहीं लगता है, माता पिता को लगता हूँ कि कुछ शिकायतें रहती हैं। बहुत लगता है उनको, वो मिस भी करते हैं, और जब से उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। जब भी कोई हमारे यहाँ से मिलिट्री की गाड़ी जाती थी, कुछ और जाता था, तो मैं अटैक होता था कि हाँ मेरे को ना आर्मी में या पैरामिलिट्री में जाना है। जब लोगों के अंदर है ना स्थानीय पुलिस का जो है विश्वास खत्म हो जाता है, लोगों का सिस्टम से विश्वास छूट जाता है, तब CRPF वहाँ पे जाती है और क्रेडिबिलिटी को जो ना रीइन्फोर्समेंट करती है। इसलिए CRPF जो है ना क्रेडिबिलिटी रीइन्फोर्समेंट पुलिस फोर्स भी है। एक्चुअली मैं, माई फादर वॉज इन दिल्ली पुलिस, तो एक दिन मैं उनका यूनिफॉर्म लगा रही थी और मैंने पापा से तब पूछा था, पापा इससे ज़्यादा स्टार भी लग सकते हैं क्या? तब उन्होंने बताया था, बेटा अगर आप सिविल सर्विसेज करोगे, UPSC क्रैक करोगे, गजेटेड ऑफिसर बनोगे, तो आपकी स्टार्टिंग ही 3 स्टार से होगी। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, उसी के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए TGT टीचर इन केंद्र विद्यालय। तो ऑल माई रिलेटिव्स वॉज लाइक कि यूनिफॉर्म जॉब लड़कियों के लिए नहीं होती है, और टीचर इज़ अ वेरी सेफ और बहुत सोफिस्टिकेटेड जॉब है, तो शी शुड गो फॉर टीचिंग। लेकिन तब मेरे को था कि नहीं, मेरे को यूनिफॉर्म ही पहननी है, और मैंने अपने पापा को बोला था मुझे UPSC क्रैक करके देना है, तो देन आई चोज फॉर दैट असिस्टेंट कमांडेंट। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। देश के कई प्रतिष्ठित पदों पर रोहतक के युवा अपनी सेवा दे रहे हैं। बात की जाए सेना की और अर्धसैनिक बलों की, तो वहां भी रोहतक के युवाओं ने परचम लहराया है। आज हम एक ऐसे कपल से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बने हैं। CRPF में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं पूजा मलिक और अजय मलिक। आज हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। अजय मलिक को हाल ही में प्रधानमंत्री पुलिस जीवन सुरक्षा पदक से भी नवाजा गया है। सर, आपका बहुत स्वागत है गरिमा टाइम्स पर। थैंक यू सो मच। CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट पूजा मलिक व अजय मलिक की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है गरिमा टाइम्स पर। रोहतक के मोखरा गांव से CRPF की बड़ी यूनिट तक का सफर कितना संघर्षपूर्ण था? मेरा जन्म जो है मोखरा गाँव में हुआ था, उसके बाद मेरी परवरिश रोहतक, हिसार और 2-3 जिलों में हुई, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में रहते उन्होंने जितनी अच्छी पढ़ाई वो करवा सके उन्होंने करवाई है जी। और उसके बाद मैंने जाट कॉलेज रोहतक से जो है ग्रेजुएशन की, आफ्टर डैट दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने है ना लॉ कर की, LLB की मैंने। फिर मैंने UPSC 2010 बैच से जो है एग्ज़ाम दे के CRPF में डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर के रूप में मैंने ज्वाइन किया। जहाँ तक संघर्ष की बात करें तो संघर्ष हर व्यक्ति के नाम जीवन में होता है, और सेम संघर्ष मेरी ही जीवन में था कि बड़ा होकर कुछ करके दिखाना है। पर चूंकि मेरा रुझान स्टार्टिंग से यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति है ना कुछ ज़्यादा था, जब भी कोई हमारे यहाँ से मिलिट्री की गाड़ी जाती थी, कुछ और जाता था, तो मैं अटैक्ट होता था कि हाँ मेरे को ना आर्मी में या पैरामिलिट्री में जाना है। तो संघर्ष करते करते जो है ना हम इस मुकाम पर पहुँच गए। मैं भगवान का और अपने माता पिता का और अपने दोस्तों का ना शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, बचपन में कोई रोल मॉडल रहा हो जिसे देखकर आपको ये आया हो सपना कि मुझे इसी पोस्ट पर जाना है CRPF में ही? मेरी मौसी के बेटे CRPF में
डीएसपी है ना, डायरेक्ट डीएसपी ज्वाइन किया था उन्होंने मेरी ही रैंक पे जी। फिर वो जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो डीआईजी थे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहता था कि यहाँ पे जो ना प्रमोशन भी अच्छा है, डीआईजी आईजी बनने का चांस मिलेगा, तो मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरी वाइफ है और हमारे 3 बच्चे हैं। रोहतक के जाट कॉलेज से आपने शिक्षा ग्रहण की है, उस समय के कोई शरारत भरे पल याद हो जो अभी भी? शरारतें तो है ना मैडम बहुत की हैं हमने। हम भी आम बच्चों की तरह थे। कई बार अक्सर क्या होता था कि हम कॉलेज में जाते थे तो अंदर ना जाके बाहर है ना, क्रिकेट ग्राउंड है सामने, वहाँ क्रिकेट खेलते रहते थे। तो प्रोफेसर साहब भी वहाँ पे साथ में, बगल में उनका क्वार्टर था। अच्छा, तो एक बार उन्होंने देख लिया था मेरे को कि एक लड़का जो है ना खुद तो आता ही नहीं और बच्चों को भी ना खिलाते रहता है वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे काम तो मैम होते रहते थे। अच्छा, आपकी वाइफ भी सीआरपीएफ में सेवाएं दे रही हैं? हाँ जी, वो भी ऑफिसर है सीआरपीएफ में, असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर है ना तैनात है। तो कितना मुश्किल रहता है दोनों एक ही जगह पर पोस्टिंग होना, क्या ज़रूरी है? नहीं, एक्चुअली हम 4 साल अभी जम्मू में रहे और उससे पहले हम अलग अलग थे, और अब 4 साल कंप्लीट हुए हैं, मेरे को गैलेंट्री मेडल मिल गया, इसलिए मेरे को कोबरा में भेज रहे हैं। अच्छा, स्पेशल फोर्सेज में, क्योंकि हमारा वहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस होते हैं और यंग ऑफिसर्स की जरूरत है, तो मैंने खुद ही ऑप्ट किया था कोबरा, क्योंकि 4 साल हम पिछले लगातार कंटिन्यू जो ना एक साथ थे जी। अब कुछ है ना और कुछ करना है, आगे अचीवमेंट करनी है फोर्स के लिए, देश के लिए, तो मैंने कोबरा ऑप्ट कर दिया। और पूजा ने खुद LEE ऑप्ट किया है, क्योंकि LEE के अंदर हमारी एक महिला बटालियन जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस करती है, और पूजा ने खुद विलिंग में ऑप्ट किया है। तो साथ रहना और अलग होना ये तो ना जॉब का पार्ट है, कभी 3-4 साल एक साथ रह गए, फिर कभी 3-4 साल अलग अलग हो गया। तो मेन फोकस जो है हमारा ऑपरेशंस पे है कि हम किस तरीके से देश के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। हमारी अपनी खुद की फैमिली लाइफ को हम ना बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देश सेवा को देखते हैं। अच्छा, आप दोनों ही सीआरपीएफ में हैं, तो माता पिता को कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी सेवा के लिए कोई नहीं है यहाँ? नहीं लगता है, माता पिता को लगता है, उनकी कुछ शिकायतें रहती हैं, लेकिन मेरे पिताजी का है ना सेना गर्व से चौड़ा रहता है कि मेरा बेटा आगे जा रखा है, और पूरी मेरी माँ खुद कहती है कि ना मेरा बेटा है ना भारत माता की सेवा करने लग रहा है, तो हम अपने माता पिता के लिए भी थैंकफुल हैं। सर, नक्सलवाद को आप कैसे देखते हैं? आपने बात की है, क्या ये देश की जड़ों को खोखला कर रही है? नक्सलवाद एक्चुअली काफ़ी समय से है ना चला हुआ आ रहा है देश में, और लगभग 35-40% तक है ना पहुंच गया था देश में जी। काफ़ी सारे जिले इससे प्रभावित हो गए थे जी। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने, उनके बलिदान ने धीरे धीरे करते करते आज 2022 तक कुछ ही जिले हैं जो संवेदनशील हैं, बाकी नक्सलवाद से है ना मुक्त कर दिए गए हैं। अच्छा, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं पोस्टिंग के दौरान? अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग होती है? हमारे अलग अलग थिएटर्स हैं, जैसे J&K थिएटर है, LEE थिएटर है, नॉर्थ ईस्ट थिएटर है, तो हर थिएटर में एक अलग नए प्रकार की चुनौती होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास जो है ना आतंकवादियों के फिदायन होने की भी चुनौती थी, विदेशी आतंकवादियों की चुनौती थी, और सारा फंडिंग जो बाहर से था। नक्सलिज्म के अंदर हमको ना केवल हथियार से, केवल नक्सलियों से लड़ना है, बल्कि एक विचारधारा से लड़ना है। जो लोग जो है मुख्य धारा से भटक गए हैं, उनको है ना मेन स्ट्रीम में भी लेके आना है, तो हथियार के साथ साथ वहाँ विचारों की भी लड़ाई है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों दिन आपको मेडल से नवाजा गया, कितना खुशी महसूस हो रही थी? खुशी महसूस होती है, लेकिन ये खुशी जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनती है कि आगे और कुछ अच्छा करके दिखाना है जी। और अच्छा करना है। 26 जनवरी को जो अवार्ड आपको दिया गया, वो किस कारण से दिया गया था? 26 जनवरी को मेरे को लाइफ सेविंग मेडल मिला था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जी। वो 14 जनवरी 2019 की घटना थी, उसके अंदर जो है ना एक गाड़ी जो है बर्फ के कारण स्किड करके जो है खाई में गिर गई थी, 70-80 फुट गहरी खाई थी, और उस दौरान मैं और पूजा पेट्रोलिंग करने के लिए निकले हुए थे। तो जैसे ही हमको अपने साइड से पता लगा कि आगे 100-200 मीटर दूर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में गिर गया है, पूजा और मैं दोनों ऑन द स्पॉट वहाँ पे पहुँचे, और मैं पूजा ने ऊपर से ना पूरा कमांड संभाला, जितना भी कोऑर्डिनेट करना होता है पूजा ने कोऑर्डिनेट किया, और मैं अपनी टीम के साथ है ना 2-3 लड़कों के साथ अंदर गया। जब मैं अंदर गया, खाई के अंदर उतरा रसों की मदद से,
तो गाड़ी के अंदर हमने देखा कि आग लगी हुई थी और इंजन का आग लगने की वजह से धुआं जो है बोनट से अंदर की तरफ जा चुका था और लोगों का दम घुट रहा था और गाड़ी इतनी बुरी तरीके से जो है ना क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि कहीं से भी उसका कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज था कि उन लोगों की जो है ना मदद मांग रहे थे लेकिन हम मदद नहीं कर पा रहे तो कैसे बचाएं। और कभी भी ब्लास्ट हो सकता था गाड़ी के अंदर जी। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने जो है ना कम्प्लीटली धीरे धीरे उसके पास पूछे क्रॉलिंग करते हुए और पहले इंजन का जो है जहाँ आग लगी थी उसको बुझाया और फिर हमारे जो लड़के थे और मैं था हमने शीशा तोड़ा आगे फ्रंट वाला और उस दौरान हमको चोट भी लग गई थी लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की लड़कों ने पूरी टीम ने और धीरे धीरे करके 9 लोगों को बाहर निकाल लिया। लोग काफ़ी इंजर्ड थे और उनको टाइमली निकालने की वजह से जो है उनकी जान बच पाई और फिर हम ऊपर लेके गए। पूजा ने जो है ना उनकी मदद की, फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाया, वहाँ से है ना पूजा अपनी गाड़ियों में हॉस्पिटल लेके गई और उसने फिर आगे भी पूरा उनका केयर किया जब तक वो ठीक नहीं हो सकते हैं सुनिश्चित किया। और इस वजह से जो है ना 9 अनमोल जान पर्यटकों की जो है ना हमने टूरिस्ट की बचाई थी उस टाइम। जब लाइफ सेविंग वाला हुआ था स्कॉर्पियो जब खाई में गिरी थी तो आई वॉज विद हिम, लेकिन अजय फोर फ्रंट में थे, ही वॉज द वन जो नीचे खाई में गए थे अपनी टीम के साथ और उनको बाहर निकाल के ले गए थे। आई वॉज हेल्पिंग हैंड नो डाउट, उसमें फीमेल्स थी 9 टोटल थे वो लोग, तो उनमें 5 फीमेल्स थी, दे वर यंग गर्ल्स ऑल्सो, 2 यंग गर्ल्स प्लस उनकी मदर और ग्रैंड मदर। सो व्हेन दे सो कि एक लेडी भी है हमें बचाने वाली तो वो इन पैनिक, वो बहुत मतलब डरी हुई थी उस टाइम पे। लेकिन फिर वो जैसे उन्होंने मुझे देखा वो मुझसे एकदम गले लग गई, उन्होंने कहा कि मैम हमारे साथ क्या हुआ, हम बच जाएंगे। मैंने बोला आप लोग निकल चुके, अब आप बच ही जाओगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको इवैक्यूएट किया वहाँ से, तो इन दैट ऑपरेशन आल्सो आई वाज विद हिम। अच्छा, इस दौरान ऑपरेशंस के दौरान दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में यही चल रहा था कि जो 9 लोग हैं जो फंसे हैं गाड़ी में कहीं वो जिंदा ना जल जाए, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे 2010 की बात है मेरे सामने हुआ था और उस टाइम मैं कुछ कर नहीं पाया था। तो वही मेरे इमेज जो है ना मेरे दिमाग में घूम रही थी कि जो उस टाइम 2 आदमियों के साथ हुआ था आज मेरे पास पावर है, रिसोर्सेज हैं, तो कहीं इन 9 लोगों के साथ ना हो जाए, तो उनको बचाना ही मेरी प्रायोरिटी थी। अच्छा सर, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 खुकार आतंकियों को अपने जान जोखिम में डालकर मार गिराया था, तो उस समय डर नहीं लगा? मैडम, हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि डर नाम का है ना कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं, साथ साथ कहते हैं ना कि डर भी है हमारे पास आने से डरता है, तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, हमारी ग्रूमिंग इस तरीके से होती है। हाँ, रही बात उनको न्यूट्रलाइज करने की, जब ऑपरेशन चल रहा था तो फायरिंग ऑफकोर्स क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी में ना मिलिटेंट इतने पास आ जाते हैं, 20-25 फुट दूर ही थे, तो गोली कहाँ से निकलती है कई बार पता भी नहीं लगता जी। और उस दौरान उनके पास ग्रेनेड्स भी होते हैं, उन्होंने अटैक किया, हम भी अटैक कर रहे थे, तो हाँ हम ब्रेवरी से अटैक कर रहे थे लेकिन डर नाम की चीज़ तो हमको कुछ पता है ही नहीं। हमको बस ये था कि अपने देश के है ना दुश्मन को किस तरीके से हम न्यूट्रलाइज करें, कितना जल्दी न्यूट्रलाइज करें, और जो उन्होंने एक बंदा बंधक बना रखा था, होस्टेज बना रखा था, उसकी जान को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, हमारी 2 ही प्रायोरिटी थी। सर, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को आपने मार गिराया था, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, कैसे आगे पूरी डीलिंग की थी? लगभग सुबह 8 बजे का टाइम था, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि आर्मी की कन्वाई के ऊपर अटैक हो गया है, टेररिस्ट है, अननोन है, तो कुछ पता था नहीं। मैं अपनी टीम को लेके, अपनी क्यूटी को लेके जो है निकल पड़ा इंसिडेंट साइट पे, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी थी, आर्मी की भी और टीमें आ गई थी। हम एक नाला था वहाँ पे सर्च कर रहे थे, आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे, जंगल का एरिया था, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और उसके अंदर ढूंढते ढूंढते हमको इन्फॉर्मेशन मिली 11 बजे के अराउंड, 11:30 बजे के अराउंड कि टेररिस्ट जो है किसी टाउन में चले गए हैं। और जंगल में टेररिस्ट का होना और टाउन में होने में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा डर होता है कि आम सिविलियंस का नंबर ज़्यादा होता है, सिविल कैजुअल्टी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन मिली जिस घर में टेररिस्ट छुपे हुए थे उन्होंने वहाँ पे किसी बंदे को होस्टेज भी बना लिया है और उसकी एज 65 है। तो फिर हमने पूरा ऑपरेशन वहाँ पे मूव ऑन कर दिया, वहाँ की तरफ वहाँ पे गए, हमने वहाँ कोडन किया, हमने उस पार्ट की रेकी की, रेकी करने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल गई कि है ना इसी घर में है, यहाँ पे हाउस इंटरवेंशन करना है,
और एक टीम हिट बनानी है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट टू दहना हाउस जाएगी और ऑपरेट करेगी। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि कहीं सिविलियन जो है वो इंजर्ड ना हो जाए, तो मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया कि हम यहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन का जो है ना यूज करते हैं, ताकि हम क्लोजेस्ट जाके जो है टीयर स्मोक अंदर डालेंगे, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि टेररिस्ट बाहर निकलने को मजबूर होंगे, और जैसे ही बाहर सिविलियन आएगा या टेररिस्ट आएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेररिस्ट है या सिविलियन है, और जो टेररिस्ट होगा उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई। उससे पहले हमने उनको काफ़ी चांस दिया कि सरेंडर कर दो, लेकिन बार बार वहाँ की जो SSP थी अनीता शर्मा, उन्होंने भी काफ़ी चांस दिया, लेकिन बार बार हमारी अपील के बाद टेररिस्ट नहीं माने, क्योंकि टेररिस्ट बड़े खुखार आतंकवादी थे। उसमें से एक ओसामा नाम का टेररिस्ट था जो A++ कैटेगरी का था, जिस पर 14 लाख का इनाम था, दूसरे आतंकवादी पर 5.5 लाख रुपये का इनाम था, और तीसरे आतंकवादी पर 50,000 रुपये का इनाम था, टोटल 20 लाख का इनाम था। तो वे काफ़ी है ना खुखार आतंकवादी थे। हमारी अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरी हिट जो थी, हाउस इंटरनेशनल टीम थी, वो धीरे धीरे पास गई घर पे, और जैसे ही हमने टीयर स्मोक का ग्रेनेड अंदर डाला तो आतंकवादी बौखला गए, उन्होंने हम पर जो है ना फायरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अब हमको किसी ना किसी तरीके से आंसू गैस के गोले अंदर दागने थे। हमने दोबारा कोशिश की, लेकिन वहाँ से बहुत फायर आ रहा था। हमने फिर फायर का जवाब फायर से देना स्टार्ट किया, और हमने 3-4 आंसू गैस के गोले अंदर चले गए, बाकी कुछ है ना बाहर रह गए, लेकिन इम्पैक्ट जो होना था वो ऑपरेशनली हम कामयाब हो गए। इस दौरान जो है आतंकवादी बिल्कुल हमारे क्लोज आ गए, और बाहर भागने के चक्कर में उन्होंने पहले ग्रेनेड से हमला कर दिया। उस ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स मुझको लगे और मैं घायल हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैं आतंकवादी पर जो है लगातार फायर करता रहा, और ओसामान नाम का जो आतंकवादी था वो हमने मार गिराया वहीं पे। दो दूसरे आतंकवादी पीछे की तरफ से जो है नीचे की तरफ भागे, वहाँ पे भी हमारी टीम जो लगी हुई थी हम लोगों ने लगातार उस पर फायर किया, और बाद में दोनों टेररिस्ट जो है ना वो भी न्यूट्रलाइज हो गए थे। तो इस ऑपरेशन में तीनों टेररिस्ट हमने मार दिए। फिर हमारी चुनौती जो थी, जो गाँव घर के अंदर फंसा हुआ था सिविलियन, उसको है ना सेफली बाहर निकालने की थी। अब हमको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, वो जिंदा है या कुछ क्या है, या कोई और टेररिस्ट तो अंदर नहीं है छुपा हुआ है। तो फिर हमने, मैं अपनी टीम के साथ अंदर गया, और हमने मैंने उस जो 65 वर्षीय जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको भी आराम से सेफली बाहर निकाल दिया था। ये हिजबुल मुजाहिदीन वाला ऑपरेशन था, उसमें मेरी कंपनी को कॉर्डन का जॉब मिला था। कॉर्डन इज लाइक, अगर आपको एक पार्टी अजय मेन QAT परफॉर्म कर रहे थे जो ऑपरेशंस करती है, और मेरी कंपनी को दिया गया था कॉर्डन करने के लिए। कॉर्डन इज लाइक कि आपको जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है उस एरिया को सेफ रखना है। तो दैट टाइम आई वाज इन कॉर्डन। अच्छा, इन ऑपरेशंस के दौरान यूनिट का, आपका कोई सैनिक जब देश के लिए शहीद होता है तो यूनिट पर क्या असर पड़ता है? तो जवान जब भी एक्सपायर होता है, शहीद होता है जी, तो अंदर से ना काफ़ी हमारा साथी जाने का हमको काफ़ी गम होता है, लेकिन गम के साथ हमको प्राउड भी होता है कि उसने जो है ना अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, लाइन ऑफ ड्यूटी के लिए उसने सेक्रीफाइस किया है, तो हम उसको सलूट करते हैं, पूरा मिलिट्री ऑनर दिया जाता है। अच्छा, आपने अभी ऑपरेशंस की बात की है, दुश्मनों पर आप बम दागते हैं, गोलीबारी चलाते हैं, घर पर बमबारी किसकी ज़्यादा चलती है, आपकी पत्नी की या आपकी, कौन भारी होता है? नहीं, भारी तो वैसे भी है ना, फील्ड पे भी जो है मेरी वाइफ ही भारी होती है। अच्छा, वही मोटिवेशन मेरे को है ना, मोटिवेशन फैक्टर है हमारा, क्योंकि जब हम ऑपरेशन पे जाते हैं, पूजा ऑपरेशन पे जाती है, हम एक दूसरे को ना इंस्पायर करते हैं, तो वो हम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है एक दूसरे के लिए एक्चुअली जी। सेम हमारा घर पे हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, और कोई ऐसा एक दूसरे पर भारी नहीं होता, म्यूचुअल हो रहता है हमारा। अच्छा, अजय मलिक जी ने बताया आपके 3 बच्चे हैं, तो उनको मैनेज करना कैसे रहता है, परिवार भी देखना, इधर पोस्टिंग भी देखनी? मैनेज हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से मैनेज तो करना ही है, आपको ड्यूटी आर्स के साथ मैनेज करना ही पड़ता है। हमारी अभी सिंस लास्ट 5 ईयर्स मैं ROP ड्यूटी कर रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर में जी। तो ROP ड्यूटी इज़ लाइक व्हेन यू हैव गुड ऑफिसर्स, तो हम लोग को जब टास्किंग करना होता है देन वी हैव टू लीव अवर हाउस, नहीं तो हम ऑफिस वर्क करते हैं। जब हमारी टारगेट दिया जाता है, इंट होती है हमारे पास, वी गो फॉर ऑपरेशंस, उसके अलावा वी हैव टाइम कि हम रात में सो सकते हैं अपने बच्चों के साथ। माई एल्डर डॉटर गोज़ टू स्कूल, थोड़ा बहुत अब प्ले में जाते हैं, तो उससे मैनेज हो जाता था।
प्लस मेरी जो टीम थी 84 बटालियन की, तो आई वॉज कमांडिंग अ मेल बटालियन, वहाँ पर सब लोगों ने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया है। हम लोग ऑप्स में जाते थे तब हम ऑलरेडी प्लान करके सब कुछ जाते थे, तो टिल प्लानिंग सब लोग हेल्प करते थे, मेरी लड़के मेरे बच्चों के साथ मेरा हेल्प करते थे। और वी आर लक्की कि मुझे इस ये वाली पोस्टिंग में अजय मेरे साथ मिले हैं, और इसके अलावा मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ टाइम टाइम पे जब भी हम लोग को नीड होती है तो हमें हेल्प करने के लिए ज़रूर जाते हैं। अभी तक पोस्टिंग इकट्ठे थी, साथ थी, अब अलग अलग हो जाएगी, तो अब मैनेज कैसे होगा? ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो साथ में मिली थी, इससे पहले मैं ऑलरेडी मैं दो पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में, असम में और आवड़ी चेन्नई में अलग से काट चुकी हूँ, तो इट वॉन्ट बी दैट चैलेंज। पहले बच्चे बहुत छोटे थे तब सबकी हेल्प होती, ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और एक और चीज़ है, इस बार आई एल बी कमांडिंग ए महिला बटालियन, तो आई एल बी हैविंग हेल्प फ्रॉम दैट। और हमारे ऑप्स वेस्ट बंगाल में होंगे। वेस्ट बंगाल इज़ लाइक LW है प्रॉपर, नक्सलिज्म वहीं से ही शुरू हुआ था, बट अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं। वी हैव फिक्स ड्यूटीज जाने के लिए कि आप लोगों को जब भी आपका प्लान्ड इंट होगा उसी में हमें मूव करना है, एंड आई एम होपिंग कि जो महिला मेरे साथ कमांडोज जाएंगी विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल। वो भी मेरे से ज़्यादा चैलेंजिंग तो उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली पीछे छोड़ के, कॉन्स्टेबलरी हुई, अपने SOs हैं जो मे, तो आई विल बी फीलिंग वेरी मोटिवेटेड उनके साथ कि हम लोग मिलजुल के ये सब कर लेंगे। अभी जेंट्स ने इतना, मेल्स ने इतना कॉपरेट किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम दैट साइड। अच्छा, नक्सलवाद को आप किस तरह देखती हैं? नक्सलिज्म शुरू हुआ था बंगाल से, एंड मुझे लग रहा है कि आज तक जितना भी हमने सर्विस किया है उसी के हिसाब से, उसी को रेट करते हुए हम लोग को पोस्ट कर दिया है इस बार नक्सल थिएटर में। अजय मेरे हस्बैंड 209 कोबरा में जा रहे हैं। नक्सलबरी दार्जिलिंग के पास में एक गांव है, वहां से शुरू हुआ था। महिला बटालियन की मेन कंपनीज लालगढ़ और झारग्राम में है, जहाँ पर नक्सल का जब पीक हुआ था तो वहाँ पर वो स्टार्ट हुआ था। नक्सलिज्म बेसिकली पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसमें एडिशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, प्लस जो लोगों को मिल नहीं पाता है, दे आर लैकिंग लिटरेसी, दे आर लैकिंग द बेसिक नीड्स, उनका पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए नक्सलिज्म वहाँ पर और ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, इनमें किस एरिया में नक्सलिज्म है? नक्सलिज्म है जो ट्राइबल बेल्ट है, जितना भी फॉरेस्ट वाला बेल्ट है, फॉरेस्ट जहाँ पर डीजेनरेट हो रहा है, जहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो नक्सलिज्म प्रॉब्लम को अगर हम ठीक से समझेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक व्यू बहुत अच्छे से हो तो फोर्सेस विल बी अ वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग नक्सलिज्म। अभी एक अलग फेस हो गया है, पहले जब शुरू हुआ था तब लैंडलॉर्ड पेशेंट्स के मूवमेंट में शुरू हुआ था, अभी वो चेंज होते होते उसने जो पॉलिटिकल कलर ले लिया है, दैट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल उसे ख़त्म करने के लिए। शादी से पहले फैमिली सपोर्ट करती थी? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। एक्चुअली मैं, माई फादर वॉज इन दिल्ली पुलिस एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्स्टेबलरी, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत मेहनत की और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस ले लेके, एक इंसिडेंट है, एक बार मैं पापा के स्टाफ, मेरे को यूनिफॉर्म का पैशन बहुत टाइम से है, छोटी थी तब से, तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी हिंदू कॉलेज से, मेरे फादर वहीं पोस्टेड थे मुखर्जी नगर में, तो एक दिन मैं उनका यूनिफॉर्म लगा रही थी और मैंने पापा से तब पूछा था, पापा इससे ज़्यादा स्टार भी लग सकते हैं क्या? तब उन्होंने बताया था, बेटा अगर आप सिविल सर्विसेज करोगे, UPSC क्रैक करोगे, गजेटेड ऑफिसर बनोगे तो आपकी स्टार्टिंग ही 3 स्टार से होगी। तो फैमिली, मेरे फादर का ड्रीम था कि वन डे मेरे को ये मेरे बच्ची को UPSC क्रैक करना ही है, तो असिस्टेंट कमांडेंट भी वॉज थ्रू UPSC ओनली, तो एक तरीके से उनका ड्रीम था ये, एंड सिंस चाइल्डहुड में उसी को ही आई वॉज अपब्रिंग्ड विद दैट थॉट, तो बहुत वैसा ही माहौल था, वैसा ही माहौल था। अच्छा, तो परिवार कितना खुश है? बहुत खुश है, मतलब विमेन एम्पावरमेंट पूरी फैमिली में,
और ऑर्थोडॉक्स फैमिली है हमारी यूपी में शामली से. तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रही थी तब लोगों को ही बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन्स थी कि ये क्यों जा रही है. और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, उसी के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए TGT टीचर इन केंद्र विद्यालय. तो ऑल माई रिलेटिव्स वॉज लाइक कि यूनिफॉर्म जॉब लड़कियों के लिए नहीं होती है और टीचर इज़ ए वेरी सेफ और बहुत सोफिस्टिकेटेड जॉब है, तो शी शुड गो फॉर टीचिंग. लेकिन तब मेरे को था कि नहीं, मेरे को यूनिफॉर्म ही पहननी है. और मैंने अपने पापा को बोला था मुझे UPSC क्रैक करके देना है. तो देन आई चोज फॉर दैट असिस्टेंट कमांडेंट. और उस हिसाब से आज मेरी फैमिली बहुत प्राउड है. वेर एवर दे सी मी इन वीडियोज़. और अमरनाथ यात्रा में हमने बहुत मतलब अच्छे से मेहनत की है. और शायद इसी को देखते हुए मेरे को सीधा जेंट्स बटालियन में, सिंस लास्ट 9 ईयर्स आई एम कमांडिंग दैट, और मुझे एकदम टोटली शिफ्ट कर दिया टू महिला बटालियन. अच्छा, कैसा रहा था वो ऑपरेशन अमरनाथ यात्रा के दौरान? कितनी मुश्किलें आती हैं? अमरनाथ यात्रा एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस फीलिंग है जी. आप अगर ट्रस्ट करते हो, आपको फेथ है कि भगवान जी हैं, कुछ नहीं होगा. बाकी चैलेंजिंग बहुत है. वी नीड टू गेट अ बेड 3, क्योंकि हमें आरोपी लगानी होती थी. 3 बजे हमें हर हालत में उठ के अपना क्लियरेंस, रोड ऑपरेशन सब करना है. उसके बाद फिर हमारी मेरा जो मेन स्पॉट था पूरी कॉन्वॉय का, वो ब्रेकफास्ट पॉइंट था. अच्छा. तो पूरी कॉन्वॉय मतलब मेरी जो वर्क लोड था वो बहुत ज़्यादा था इन दीज 41 डेज, क्योंकि पूरा कॉन्वॉय वहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेकफास्ट करता था. और उनकी सिक्योरिटी के लिए आप समझ लीजिए कि मेरी कैंप में गार्ड्स को छोड़ दीजिए तो एक आदमी भी ऐसा नहीं होता था जो आरोपी के लिए बाहर नहीं खड़ा हो. अच्छा, अभी पर्सनल अगर बात की जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि शादी की सालगिरह आपके हस्बैंड भूल गए हों या कोई बर्थडे? अजय इज़ वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग डेट्स. और बाकी वो कोशिश करते हैं लेकिन वो सब कुछ भूल जाते हैं, बट मेरा बर्थडे वो पक्का याद रखते हैं, तो उसमें सब कवर हो जाता है. मैरिज एनिवर्सरी तो मोस्टली अजय भूल ही जाते हैं. उनको वो सब ओवरकम करने के लिए जैसे मैं बता रही हूँ तो वो 14 अक्टूबर याद रखते हैं. और फिर वो हम कहीं भी होते हैं, अजय ज़रूर आते हैं 14 अक्टूबर में. सिंस ट्रेनिंग डेज, क्योंकि ये मेरे सीनियर हैं मेरे हस्बैंड, तो सिंस ट्रेनिंग डेज और आज तक 14 अक्टूबर को अजय आ ही जाते हैं. अच्छा मैम, आपने बराबरी की बात भी की थी कि महिलाएं किसी से कम नहीं, किसी भी फील्ड में जा सकती है, लेकिन अभी भी हरियाणा में बात करें, आप वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हैं, तो मानती हैं अभी भी कहीं ना कहीं महिलाएं पिछड़ी हुई हैं? महिलाएं वो पिछड़ी हुई हैं जिनकी मदर्स एजुकेटेड नहीं है, और जो मतलब इतना सोशल मीडिया, जो बनना ही नहीं चाहती है सिर्फ वही नहीं बनती है. बाकी जो डिसाइड कर लेती है कि मुझे कुछ अचीव करना है वो पक्का अचीव कर लेती है. फैमिली का तो बहुत रोल होता है. एंड मैं तो इसीलिए सबको, सारी मदर्स को स्पेशली अपील करना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी किया है वो बहुत हार्डवर्क था, लेकिन अपनी बेटियों को हमेशा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ ज़रूर ले जाना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का. अपनी बेटियों में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाएं. अगर बेटा अकेला बाहर जा सकता है तो बेटी भी जा सकती है, नो डाउट. अगर अजय मलिक जंगल में रह सकते हैं तो पूजा भी जंगल में रह सकती है. मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ था उससे पहले ही हमारा एंगेजमेंट हो गया था. एक्चुअली मैं अजय के अंकल और मेरे फादर साथ में दिल्ली पुलिस में थे. अजय ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे और पापा ने ऐसे जैसे जब सिलेक्शन हुआ तो सबको बताया था कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया UPSC में. तो ऐसे ही बात चलते चलते एक कॉन्टैक्ट मिला था. फिर उसके बाद पापा ने और हमने खुद नहीं प्रोसीड किया. इट वॉज जस्ट ए हिंट कि कोई बाकी बीच में कोई नहीं है. अच्छा. जैसे कि हमारे हरियाणा UP में बिचौलिया होते हैं वो कोई नहीं है. एक्चुअली मैं अपनी बटालियन में भी सिंगल लेडी ऑफिसर थी. तो कई बार बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि ऑल सीनियर्स आर जेंट्स और मैं अकेली. तो उन्होंने एकदम सिखा दिया कि ऑफिसर मींस ऑफिसर, यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ टू बी कि गर्ल है कि फीमेल है. और ऐसी ऐसी एडवाइसेस तो जो बहुत देते हैं, और फैमिली के लिए तो और ज़्यादा देते हैं. पहले मैं बहुत ही मतलब एक स्वीट मदर टाइप थी. वेन एवर माई चाइल्ड क्राइज आई यूज टू क्राई. तो तब उन्होंने सिखाया कि रोने से बच्चे का लंग स्ट्रांग होता है. तो बच्चे रो लेंगे तो कुछ नहीं होगा, तुम अपना ड्यूटी पे ध्यान दो. तो मेरा जितना भी करियर अभी तक अच्छे से चल रहा है, इज द प्राइम फोर्स उसे मोल्ड करने के लिए. अच्छा, आप दोनों एक ही पद पर कार्यरत हैं CRPF में, कभी ऐसी कॉम्पिटिशन की भावना आई है?
कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली में ये कंफर्ट जोन है. फोर्सेस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत इश्यूज होते हैं. कई बार आप लोग बिना बात के बहुत बिजी होगे, कई बार आप ऑफिस में इतने बिजी होगे कि आप घर में बात ही नहीं कर पाओगे. और थैंक गॉड कि अजय सीआरपीएफ में है, मुझे बताने से पहले उन्हें समझ आ जाता है कि वो उनको सिर्फ इतना बताना पड़ता है कि मैं बहुत जल्दी में भी हूँ कि अजय मीटिंग है, अजय ऑप्स है, तो उनको समझ आ जाता है कि अच्छा अच्छा ये हो रहा होगा, वो अभी ऐसे कॉल नहीं कर पाएगी, बात नहीं कर पाएगी. बच्चे पीछे से अमरनाथ यात्रा में मेरा जो ड्यूटी ऑफ स्फीयर था वो बहुत क्रूशल था, अजय का मुझसे नेक्स्ट पॉइंट था. तो बहुत बार ऐसा हुआ है, आप जैसे पूछ भी रहे थे पहले कि आपने फैमिली और बच्चों को कैसे किया, तो हम लोग अजय क्या करते थे कि क्योंकि मैं प्राइम प्लेस में थी तो यूज़ टू गो, वो कैंप चले जाते थे और फिर बच्चों का ध्यान रखते थे पीछे से. अच्छा, तो ऐसे मैनेज हुआ है. मैम, सीआरपीएफ में सर्वाइव करना महिलाओं के लिए कितना आसान और मुश्किल है? सीआरपीएफ इज वेरी सपोर्टिव फॉर फीमेल्स. मोखरा गांव के युवा आपको प्रेरणा समझते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मोखरा गांव ये लगा लीजिए मेरा गांव के साथ साथ जो है ना मेरी कर्मभूमि भी है. मैंने वहाँ पे खेलना सीखा, हर घर में जाना सीखा. जब मैं छोटा था ना, बचपन में गांव में जाता था, तो मैं जिन घरों को मैं जानता था वहाँ तो जाता ही था, लेकिन जिन घरों को मैं नहीं जानता था वहाँ पे भी जाता था. अच्छा, तो गांव के लोगों ने बहुत प्यार किया मेरे को, बहुत प्यार दिया है, इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है. तो वही प्यार जो है ना मेरे को गाँव में आज भी खींचा ले जाता है. तो मैं यही कहूँगा गाँव के युवाओं साथियों को, एक तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, खेलों की तरफ ध्यान दें. हमारे गांव से है ना बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना आज इंटरनेशनल मेडल से लेके आने लग रहे हैं. साक्षी मलिक है, दो तीन बच्चे और लेके आए हैं, सत्येंद्र पहलवान है जी. तो हमारे गांव का उन्होंने नाम रोशन किया है. इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करने लग रहे हैं, मेहनत कीजिए, गाँव का नाम, रोहतक का नाम, आप हरियाणा का नाम, अपने देश का नाम रोशन कीजिए. अच्छा मैम, सीआरपीएफ को कम ही महिलाएं चुनती हैं, जो लड़कियां अभी जाना चाह रही हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? पहला संदेश तो है कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं. सो फॉर ऑल गर्ल्स, फॉर ऑल फीमेल्स, फॉर ऑल वीमेन, बी वेरी पॉजिटिव. बस एक टारगेट ज़रूर बना लेना है और इतना हार्ड वर्क करना है, एन्जॉय योर लाइफ, लेकिन एक टारगेट ज़रूर सेट करना है. और आपके टारगेट के बीच में कुछ भी आए उसको इग्नोर करते रहना है, आप फोकस मत हटाइए, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. कोई भी चीज़ अगर मैं फोर्स में रह के, आई हैव किड्स, आई हैव फैमिली, मैं कर सकती हूँ और विद गॉड्स ग्रेस बहुत सक्सेसफुली कर रही हूँ, तो एनीवन कैन डू. अगर आप लोग मुझे सीआरपीएफ में आने से पहले देख लेते तो यू वॉन्ट बिलीव कि मैं मतलब ऐसे कभी यूनिफॉर्म एड ऑन भी कर सकती हूँ. हमारा एक बहुत छोटा सा गाँव है पानीपत क्रॉस करके, शामली डिस्ट्रिक्ट के पास खेड़ी, और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर एक ऑफिसर हूँ और लेडी हूँ, वो तो बहुत ही बड़ी बात है. तो इफ़ आई कैन डू, एनी वन कैन डू इट. एंड प्लीज़ स्टे फोकस्ड, स्टे टारगेटेड और बहुत पॉजिटिव रहना है. इस दुनिया में नेगेटिविटी का कोई काम चलता नहीं है. जितना आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलेंगे. हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. और हर फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पर ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको आजकल फीमेल्स नहीं ओवरकम कर सकती है. जी, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट पूजा मलिक व अजय मलिक. कैसे देश सेवा करते करते परिवार को भी समय दे रहे हैं, इनकी कहानी ज़रूर हमारे लिए प्रेरणा है. नमस्कार.